अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग लाहौर के एक बहुत मज़ेदार से कमाल के एरिया में मौजूद हैं जिसका नाम है जौहर टाउन। और आज मैंने खैर पीछे आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा, इससे पहले मैंने एक बहुत इकोनॉमिकल और एक बहुत मज़ेदार सा इफ्तार कम डिनर बफे ट्राई किया है जो कि है क्रेडोस जौहर टाउन। इंतहाई कमाल का 1800 रुपए के अंदर ये लोग अपना बफे देते हैं और इतनी ज़्यादा आइटम्स है खाने के अंदर। खैर हम लोगों ने खाना शाना यहाँ पर खा लिया है, इतना रश लगा हुआ है और धड़ाधड़ से नीचे किचन में काम चल रहे हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह, बारबेक्यू, सब्जियाँ, उसके बाद टकाटक, सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है। सबसे पहले नीचे का माहौल देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं। मैं अभी ऊपर ज़रा होके आया हूँ और आवाम इस तरह यहाँ पे बैठी हुई है कि भाई जैसे यहाँ पे फ्री में बफे चल रहे हैं और फुल ऑन माहौल है यहाँ पे, खाने शाने चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है इफ्तार बफे। भाई धड़ाधड़ यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, क्या इफ्तारी का माहौल चल रहा है। यहाँ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ? हमारे पास पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, चिकन रोल होते हैं और विंग्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास बारबेक्यू है, मीठे चावल होते हैं। अच्छा। मीठे में स्वीट होती है और भी बाकी चीज़ें हैं, चाइनीज़ है, मद्रासी होती है तवे में। सही हो गया, यहाँ पे रोल समोसे हैं, पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, सब्जियाँ बन रही है ताज़ा फ्रेश, और वो आगे बारबेक्यू वाला सेक्शन है और ये विंग्स बने पड़े हुए हैं। कढ़ाई भी है, वो आगे मद्रासी बनी हुई है वो सामने आपके। अच्छा, कहाँ पे है मद्रासी? वो सामने लगी हुई। अच्छा सही हो गया, यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही है, वो टकाटक वहाँ पे हो रहा है वो पीछे, तो जाके वो भी देखते हैं। यहाँ पे है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, स्पेशल कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई, बहुत सारी कढ़ाई हैं। ये कौन सी बना रहे हो अभी? ये वाइट कढ़ाई है। वाइट कढ़ाई बना रहे हो? यहाँ पे बारबेक्यू लग रहा है भाई, कमाल का बारबेक्यू। वो पीछे सारे टिक्के वगैरह भी पड़े हैं, यहाँ पे कबाब वगैरह लग रहे हैं और ये सारा कुछ इफ्तार बफे के लिए रेडी हो रहा है। इफ्तारी का टाइम होने वाला है, कोई 5-7 मिनट रह गए हैं, तो अभी नीचे का माहौल आके देखेंगे। यहाँ पे टकाटक वगैरह सारा सीन चल रहा है, जाके सबसे पहले हम लोग बुफे चेक करते हैं कि क्या क्या आइटम्स ये लोग 1800-1799 रुपये में दे रहे हैं। भाई इफ्तारी हो गई थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग इफ्तारी कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की हांडियाँ थी, एक मद्रासी और एक इनकी दूसरी चिकन कढ़ाई थी। और अभी तक मैं दो प्लेट्स विंग्स की खा चुका हूँ, विंग्स कमाल के हैं और चाइनीज़ भी अच्छा है। चाइनीज़ में भी मैंने दो कुंग फू चिकन ट्राई किया और उसके बाद साथ चिकन मंचूरियन और साथ एग फ्राइड राइस। तो ओवरऑल अभी तक तो मुझे खाने का जो एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत अच्छा है। बाकी ये जो इनकी कढ़ाई है ना, क्रेडोज़ अपनी कढ़ाई अपनी सब्जी और अपने बारबेक्यू की वजह से मशहूर है, तो कढ़ाई वाकई पता लगता है कि कमाल की कढ़ाई है, किसी बहुत तगड़ी जगह की कढ़ाई खा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग इफ्तारी में रोल समोसे पकौड़े खाते हैं, मैं बैठ के कढ़ाइयाँ और चावल वगैरह खा रहा हूँ क्योंकि खाना बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार खाना है। और जिस तरह वहाँ आके बैठे
वालेकुम सलाम। क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे खाने? हमारे पास बारबेक्यू है, इसमें चिकन बोटी, बीफ के कबाब, चिकन कबाब है, चाइनीज़ में है, ब्लैक पेपर है, मंचूरियन है, उसके अलावा इफ्तारी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रोल, समोसा, दही बड़े हैं, स्वीट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गुड़ वाले चावल हैं, कस्टर्ड है, खीर है, स्पेशल चप्पल कबाब है, मखनी हांडी है, चिकन चौमेन है, हाँ चिकन मद्रासी है, हाँ जी रोगनी नान, वैरायटी ऑफ नान। अच्छा, मतलब कि बेसिकली सीन मुझे ना यहाँ पे ये लग रहा है कि जो इफ्तारी का सामान होता है, मतलब कि पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह, उसके साथ चाइनीज़ का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हाँ जी, साथ वो ज़रा लाइट सा, उसके बाद चाइनीज़ खाए, और साथ दो हांडियाँ जो इनकी मैंने ट्राई की है, टॉप क्लास है, बहुत कमाल की कढ़ाइयाँ और विंग्स वगैरह, हर चीज़ फिलहाल मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, आवाम ने हल्ला बोला हुआ था, तो ज़रा बैठ के तसल्ली से खाना ट्राई किया, दो तीन चीज़ें मैंने खाई हैं, अब बाकी ज़रा मैं दोबारा से खाता हूँ। और जो वीकेंड है, वीकेंड पे इससे ज़्यादा रश होता है? वीकेंड पे ज़्यादा होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और बाकी जो दिन है उनसे ज़रा इन तीन डेज में ज़रा रश ज़्यादा होता है, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। माशाल्लाह हमारा खाना वैसे भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, आम रूटीन में भी। हाँ, वैसे भी क्रेडोस मशहूर है अपनी कढ़ाइयाँ, अपने बारबेक्यू स्पेशल सजी, तवा चिकन, बड़ा स्पेशल है हमारा, और माशाल्लाह से उसी तरह का जायका अभी भी मिला है, खाना अच्छा लगा है, और माशाल्लाह इतनी आवाम आके बैठी हुई है, इस तरह यहाँ पे तादाद में लोग आए हैं और बुफा चल रहा है, और तब से कोई घंटा हो गया इफ्तारी हुए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो खाली हुई हो, सही काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम है। ज़रा मैं बाकी खाना शाना खा लूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये भाई मेरी गंदगी नहीं है, ये मैं नीचे आप लोगों के लिए क्लिप शॉट कर रहा था, वो कढ़ाइयों का उसने अचानक से ऐसे ना घी उड़ाया और वो सारा आके मेरे कपड़ों पे, और मेरा नया सूट था बर्बाद हो गया। भाई कोई बात नहीं, लेकिन खैर है। वो हमारे पास आपको बताया था कि जैसे चाइनीज़ में हमारे पास एग फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, कोंग पाओ, उसका मुखालिफ हमने जो कोंग पाओ लगाया हुआ है। क्या मुखालिफ? मुखालिफ किसके? मुखालिफ में कोंग पाओ चिकन के, मंचूरियन के, मंचूरियन के मुखालिफ। हाँ, वो आपस में अच्छा साथ एक्शन देखो, ये वाला एक्शन साथ कर मतलब हमने उसके मंचूरियन के मुखालिफ जो कोंग पाओ लगाया हुआ है, साथ ही मतलब ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, उसके साथ सही होगा, मतलब कि जो मंचूरियन का मुखालिफ है कोंग पाओ चिकन, कोंग पाओ चिकन मजे का ज़्यादा कौन सा है? दोनों सेम है माशाल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, दोनों का अच्छा टेस्ट है, उसका अपनी जगह पर टेस्ट है, उसका अपनी जगह पर टेस्ट, अपने लेवल पर टेस्ट है। सही है, बाकी आवाम आई है, लोग इंतजार कर रहे हैं खड़े हुए, तो लोगों को खाना खाने देते हैं, और मैं भी अब जरा थोड़ा बहुत कुछ जो आपने कुछ नहीं काफ़ी देर से खाया अभी। हाँ, मैं आपके सामने तब से बस देख रहा हूँ, तो अभी मैं भी ज़रा खाना शाना खाता हूँ। थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पे हमजा भाई मिले, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप खाना कैसा लगा आपको? खाना अच्छा, अच्छा था। क्या सारा कुछ खा लिया कि कुछ रह गया? नहीं, सारा कुछ तो नहीं खाया, लेकिन काफ़ी हद तक खा लिया। ये इफ्तारी होगी ना, समझ लो कि सारा कुछ ही खा लिया, टेस्ट अच्छा था। अच्छा, हमजा भाई को आप लोगों ने पहली दफ़ा ही देखा होगा, तो मैं सीन बताता हूँ। मैं जहाँ पे नर्सरी प्रेफ प्ले ग्रुप में जिनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता होता था, जिन टीचर के घर ये हमजा भाई, उनके बड़े भाई हैं, छोटे के बड़े, छोटे भाई हैं ये भी भूल गया देख लो। तो हम लोग नर्सरी प्रेप प्ले ग्रुप 1 और 2 क्लास, ये 4 साल मैंने इनके घर पढ़े हैं, और तब से हमजा भाई अभी तक याद हैं। और बाकी आपकी कैसी है? ठीक है, खैर अब वो अपने बच्चे पढ़ाती होगी ऐसे ही है, और हम भी अब जरा आम को पढ़ा रहे हैं कि खाना किस तरह खाते हैं, या लाहौर के कौन से या पाकिस्तान के कौन से खाने अच्छे हैं। ये वो कुंग पाओ चिकन है और मंचूरियन है, जो एक दूसरे के मुखालिफ है, बाकी एग फ्राइड राइस और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। हम लोगों ने एंड पे रबड़ी वाली खीर ली है, और इंतहाई कोई कमाल की खीर है, इस खीर टेक्सचर चेक करो ज़रा ज़बरदस्त। और बाकी यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं एकेडमी के, और रौनक लगी हुई है, फुल ऑन जहाँ पे इफ्तारी चल रही है।
3% थे और हमारा 5,800 बिल बने 1,800 रुपया उसने शायद कोई टैक्स वगैरह कोई डला हो या क्या सीन है। खैर 5,800 बिल बने। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, बहुत मज़े का खाना था और जो एंड पे खीर ने मज़ा करवाया भाई वो कमाल था। बाकी यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एक बहुत कमाल का एम्बियंस है, बड़ा ज़बरदस्त मॉल है, फैमिली वाला, फाइन डाइन बहुत ज़बरदस्त है। अभी बस घर चलते हैं। क्या वीडियो भेजेंगे? मैं ज़रूर आपको कल भेजूंगा, ठीक है? नंबर लिया उसका आपने? हाँ जी जी, मैंने उसे नंबर दे दिया। नंबर मुझे दे, मैं आपको भी दे देता हूँ। खैर आज की इस मज़ेदार सी वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, बहुत मज़ेदार खाना है। मैं दोबारा सबको बता रहा हूँ, जोहर टाउन में क्रेडोज रेस्टोरेंट है। खैर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मौसम भी ज़रा अच्छा हो गया है, हवा चलने लग गई है, सुबह गर्मी थी। अल्लाह हाफिज़।